लोकसभा चुनाव के बीच में एक बार फिर आरक्षण का मुद्दा गर्मा गया है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के ताजा बयान के बाद सियासी बवाल भी मच गया है। ममता बनर्जी ने ओबीसी कोटे से मुस्लिमों को आरक्षण देने की बात फिर से दोहराई, बल्कि उन्होंने ये कहा कि वो कोर्ट का सम्मान तो करती हैं लेकिन कोर्ट के आदेश को नहीं मानेंगी और ओबीसी कोटे से मुसलमानों को आरक्षण देंगी। ममता बनर्जी का बयान क्या आया, बीजेपी ने चौतरफा हमला शुरू कर दिया। बीजेपी ने वापस उसी बात को कहा कि वो तो पहले से कहती आ रही हैं कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं। अब ममता बनर्जी के बयान के बाद सियासी बवाल मचा है। इंडिया गठबंधन की तरफ से इस बारे में भी कोई आधिकारिक तौर पर बयान नहीं आया है, लेकिन आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर लोकसभा चुनाव के ये जो दो चरण बाकी हैं उसमें ममता बनर्जी के इस बयान का क्या सियासत पर असर पड़ेगा, क्या चुनाव पर असर पड़ेगा। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता मौजूद हैं, साथ ही हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता भी मौजूद हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता सत्येंद्र जैन चौधरी जी मौजूद हैं, साथ ही कांग्रेस से अमित शर्मा जी मौजूद हैं। आइए हम दोनों से समझते हैं। सबसे पहले तो हम उनकी रिएक्शन इस बयान पर लेते हैं। क्या कहेंगे अमित जी, क्या रिएक्शन है आपकी ममता बनर्जी के इस बयान पर? देखिए, कोर्ट का फैसला पश्चिम बंगाल में आया है और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने कहा कि कोर्ट के इस फैसले को हम नहीं मानते और इस फैसले को मैं आगे चुनौती दूंगी। तो निसंदेह उन्होंने आगे कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे या आगे खटखटाया होगा, तो वो सुप्रीम कोर्ट की शरण में जाएंगे, नीचे की अदालत के फैसले को नहीं मानेंगे। ये कोई नई बात नहीं है दीप्ति जी। मैं आपको अभी मध्य प्रदेश ले आऊँ, जब हम मध्य प्रदेश में ओबीसी का निर्णय आया तो मध्य प्रदेश में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का बयान था कि इस कोर्ट के इस निर्णय से मध्य प्रदेश की सरकार संतुष्ट नहीं है, ऊपर की अदालत में बात रखेगी। और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, आज भी ओबीसी के मामले में मध्य प्रदेश में ओबीसी के प्रकरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में है। तो मैं कहना चाहता हूं कि तुष्टिकरण की जो राजनीति की संज्ञा भारतीय जनता पार्टी के नेता और आदरणीय प्रधानमंत्री जी देते हैं, तो मैं कहता हूं कि क्या वो गुजरात में 80% ओबीसी हम फिर से आएंगे? बिल्कुल आएंगे। अब अपनी पहली रिएक्शन आप दीजिए, क्या कहेंगे सत्येंद्र? देखिए, ये बहुत ही आपत्तिजनक है और एक तमाचा है इस प्रकार की तुष्टिकरण की राजनीति को, कि जब कलकत्ता हाईकोर्ट का निर्णय आया और उसने इनवैलिड घोषित कर दिया, जिस प्रकार से ममता बनर्जी ने 68 से अधिक जातियों में 61 जातियां जो हैं मुस्लिम समाज की उनको ओबीसी के अंदर लेके आए और 7 जातियां हिंदू समाज की जो थी ओबीसी में लेके आए, तो ये बहुत बड़ा अन्याय किया। और टोटल 179 में से वो 111 से अधिक जातियां मुस्लिम समाज की हो गई उसके अंदर, आप तो ये उसको ध्वस्त कर दिया माननीय हाईकोर्ट ने। इट इज ए बिग स्लैप टू द ममता दीदी। लेकिन इसमें गलती क्या ममता बनर्जी ने, आपने गलत किया, क्या गलत किया? ममता बनर्जी ने बिल्कुल गलत किया, इसलिए गलत किया क्योंकि जब अगर बंगाल में डेमोग्राफी देख लें तो वहाँ पर लगभग 70% हिंदू समाज रहता है, तो क्यों मात्र 7 समाजों को सम्मिलित किया, पूरी की पूरी 61 समाज जो है 61 जो ओबीसी में मुसलमानों को ले लिया। तो मैं वही कह रहा हूँ कि धर्म के आधार पर ये ममता बनर्जी ने आरक्षण देने का प्रयास किया, जिसको माननीय हाईकोर्ट जो कलकत्ते का है उन्होंने करा, उन्होंने निरस्त कर दिया और 5000 से ज़्यादा सर्टिफिकेट उन्होंने कहा निरस्त हो जाते हैं, और उसके बाद 2010 के बाद जितने भी सर्टिफिकेट दिए सबको निरस्त किया है, और साथ ही साथ ये भी कहा है कि ये जो जातियाँ ये भी निरस्त कर दी हैं, और जो पहले की जो जातियाँ थी 2010 के पहले की उसको 1993 का जो ओबीसी एक्ट है उसके आधार पर अप्रूवल दिया गया है, तो वो अभी भी कंटिन्यू है। तो एक बहुत बड़ा वो है, इसका नहीं मान रही कोर्ट का आदेश, यही तो उन्होंने कहा। तो देखिए, कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट है, और जिस प्रकार से वो कह रही हैं आम ही मान वो ना, इस प्रकार से बंगाली में वो कह रही हैं, बहुत निंदनीय है। हाई कोर्ट का निर्णय भी देखिए, सुप्रीम कोर्ट में भी यही रहेगा, और सुप्रीम कोर्ट जब जस्टिफाइड कर देगा, ये भी मुझे लगता है कि माननीय हाईकोर्ट भी इसको स्वतः संज्ञान ले सकता है, सेल्फ कॉग्निजेंस लेना चाहिए, और ममता बनर्जी के ऊपर एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का भी केस चलना चाहिए, जिस प्रकार से हाईकोर्ट का निर्णय की अवहेलना ममता बनर्जी कर रही हैं, पूरी की पूरी मुस्लिम लीग को तुष्टिकरण कर रही हैं, जिस प्रकार से 1936 और 1929 में जो मुस्लिम लीग का तुष्टिकरण का एजेंडा था कि मुसलमानों को आरक्षण देने का, ममता बनर्जी भी उसी राय पे हैं और कांग्रेस भी उसी राय पर है, जिस प्रकार से कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र के पेज नंबर 8 में पॉइंट नंबर 7 में उल्लेख किया है। इस पर भी हम बात करेंगे अमित जी। बीजेपी का आरोप था कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करती हैं, तो इस बयान के बाद क्या वो तो सच साबित हो गया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तो करनी और कथनी में ही अंतर है। उनकी खुद की बात मत करो, दूसरे की बात करो। अपनी बुराई सच्चाई और दूसरे की सच्चाई वो बुराई, ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। और मैं कहना चाहता हूँ कि गुजरात के अंदर 80
जातियों को, मुसलमान की जातियों को गुजरात में स्वयं मुख्यमंत्री, आज जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी थे, उन्होंने उस बात का आरक्षण दिया, तो क्या वहां तुष्टिकरण की राजनीति करी? और क्या मैं कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी ने 38 जातियां जो मुसलमानों की है उनको आरक्षण देने का काम किया, क्या तुष्टिकरण की राजनीति की शुरुआत करी? और मैं जी बताइए, देखिए जो भी बात है कांग्रेस जरूर तुष्टिकरण करती है, और जिस प्रकार से उनका तो सवाल यह है कि क्या गुजरात में भी ये हुआ था जब मुख्यमंत्री थे? 80 जातियां, ये 1995 का ऑर्डर है, आप निकाल लीजिए, 1995 में कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे गुजरात में, और उसके आधार पर ये हुआ है, देख लीजिएगा, ये भी एक स्लैप है कांग्रेस के लिए। और जिस प्रकार से मैं कह रहा हूँ कि ये अभी पर्सनल लॉ किसका होता है, इनके घोषणा पत्र जो है मैनिफेस्टो, उसमें पेज नंबर 8 में पॉइंट नंबर 7 निकाल लीजिए, उसमें लिखा हुआ है कि पर्सनल लॉ जो जो होता व्यक्तिगत कानून उनको समृद्ध करेगी, उनको बढ़ाएगी। कौन बढ़ाएगी? व्यक्तिगत कानून किसके हैं? माइनॉरिटीज में, जैनों के कोई माइनॉरिटीज में व्यक्ति तो बात ही पलट दी, अभी तो ओबीसी आरक्षण की बात हो रही है मध्य प्रदेश और गुजरात का सवाल। देखिए आरक्षण जो है संवैधानिक व्यवस्था से आ रहा है, और जिस प्रकार से कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में कह रही है, वही बात मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस मुस्लिम, और जो डॉक्टर मनमोहन सिंह भी कहते रहे, दो बार बार कहते रहे, और राहुल गांधी जी का भी 2012 का वीडियो कल प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी बताया कि राहुल जी भी कह रहे हैं और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे तब कहते रहे, इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, तो धर्म के नाम पर बांटने का काम कांग्रेस करती है, और हमने संतुष्टिकरण की राजनीति की, इन्होंने अपीजमेंट की पॉलिटिक्स की है, और वही बात इनके घोषणा पत्र में आज भी आ रही है। और मैं निसंदेह दावे के साथ कहता हूँ, ये हमारी संपदा, हमारा जो धन होता है, हमारा पशुधन हो, हमारा धन है, हमारा चल संपत्ति, हमारी अचल संपत्ति है, और हमारी माताओं बहनों की जो स्त्री धन में जो गहने आते हैं, जो मंगलसूत्र आता है, मंगलसूत्र इसलिए क्योंकि मुस्लिम बहनें मंगलसूत्र नहीं पहनती, और व्यक्तिगत कानून जब बढ़ाओ, जब दोगे आप तो उनसे आप नहीं लोगे, ये सारा का सारा धन का जो वितरण करोगे, पेज नंबर 28 में पॉइंट नंबर 21 में लिखा है कांग्रेस के घोषणा पत्र में, आप देख लीजिए, ये सारा का सारा उसी में आ रहा है, आरक्षण में। संतुष्टिकरण की राजनीति करती है और कांग्रेस तुष्टिकरण की क्या आरोप है बताइए? संतुष्टिकरण की राजनीति होती तो प्रधानमंत्री जी को मटन, मछली, चिकन, मंगलसूत्र, भैंस ये सब याद नहीं आती। संतुष्टिकरण की राजनीति होती तो प्रधानमंत्री बताते कि मैंने इतने करोड़ लोगों को रोजगार दिया, मैंने इतने जो आज इंडियन एयरलाइंस को लेकर, एयरपोर्ट को लेकर, रेल को लेकर बेचने का काम किया, इसमें और आगे बढ़ाने का काम किया। आज ये अपने राज्य में प्रधानमंत्री जी गुजरात में 80 जातियों को आरक्षण देते हैं, और मेरे विद्वान साथी ने अभी देखिए यहीं एक सफ़ेद हाथी की तरह झूठ बोल दिया, उन्होंने कहा कि साहब वो 95 में बना है। अरे 95 में अगर बना था तो आप जो 20 साल 15 साल कितने मोदी जी मुख्यमंत्री रहे तो क्या वो पलट नहीं सकते थे? लेकिन उन्होंने सील टप्पे लगाकर उसको आरक्षण देने का काम किया ताकि वो कह सकें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक उंगली अपनी तरफ और 3 उंगली दूसरे की तरफ उठाने का काम करती है। तो मैं कहना चाहता हूं कि आज लोग रोजगार की बात नहीं कर रहे, और मैं खासकर कहूंगा यूट्यूबर चैनल जितने आज छोटे बड़े जितने चैनल हैं उन पर अगर लोग आवाज उठा रहे हैं, बात कर रहे हैं रोजगार की, बात कर रहे हैं कि संसाधनों पर बात होनी चाहिए, लोगों के अधिकार की बात होनी चाहिए, अगर यही राहुल गांधी जी ओबीसी को अगर बढ़ावा करने की बात करते हैं, लोगों के जातिगत आरक्षण की बात करते हैं, उनके अधिकार की बात करते हैं। अरे अमित जी, सवाल तो यह भी है कि इस ममता बनर्जी के इस बयान पर राहुल गांधी चुप क्यों है? ममता बनर्जी के बयान पर राहुल गांधी जी उसी तरह चुप है जिस तरह प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश के नर्सिंग घोटाले में चुप थे, जिस तरह व्यापम घोटाले में चुप थे, आज उसी तरह प्रधानमंत्री जी चुप हैं। प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश में लकीरपुर की बहन के साथ घटना होती है तो उसके जिस तरह वो चुप थे उसी तरह चुप थे। प्रधानमंत्री जी भूषण जो है एक राष्ट्रीय पदक लाने वाली, हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व करने वाली खिलाड़ी के लिए चुप थे, इसीलिए प्रधानमंत्री जी चुप हैं। मैं समझता हूँ कि पश्चिम बंगाल की बात अगर मध्य प्रदेश में उठेगी तो मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश में नर्सिंग घोटाला, बहुत बड़ा घोटाला अभी खुला है जिसकी आवाज पूरे देश में। चलिए चुप्पी के बदले चुप्पी वाली बात हो रही है यहाँ पर। नहीं दीप्ति जी, जवाब नहीं है कि राहुल गांधी चुप क्यों है, किस तरह चुप है ये जवाब है। देखिए हमने तो जवाब दिया ना, राहुल गांधी जी भी कह रहे हैं मुसलमानों को आरक्षण देंगे, और लालू यादव जी भी कह रहे हैं मुसलमानों को पूरा का पूरा देंगे, और इनका रंगनाथ मिश्रा की कमेटी की रिपोर्ट आई, और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जो है वहां पर इन्होंने प्रयास किया पूरा करने का,
और कर्नाटक में तो इन्होंने दे ही दिया मुसलमानों को, ओबीसी के हकों पर आरक्षण पे डाका डालने का काम कांग्रेस ने कर्नाटक में कर चुकी है। और हम उसको देखिए, हमने जो किया, हमने सामान्य निर्धन वर्ग के, उसमें सामान्य निर्धन वर्ग में जो उस ब्लॉक में आएगा सबको 10% का आरक्षण हमने संवैधानिक किया, संसद में पास कराया दोनों सदनों से, और ओबीसी वर्ग को जो आरक्षण है उसके आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का काम भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। काका कालेलकर की रिपोर्ट को पंडित नेहरू जी से लेके इंदिरा जी ने दबाया, इंदिरा जी के पास जब इंदिरा हमारी 1977 में सरकार बनी तो हमने मंडल कमीशन गठित किया, मंडल कमीशन की रिपोर्ट को भी दबा दिया इंदिरा जी ने। फिर उसके बाद जब राजीव गांधी जी आए प्रधानमंत्री, उन्होंने भी दबाया और संसद में पूरा ओबीसी आरक्षण को मंडल कमीशन की सिफारिशों पे पूरा खुल करके विरोध किया था राजीव गांधी जी ने। और ये हमारी सरकार थी 1990 में बीपी सिंह की, उसमें मंडल कमीशन को हमने मान्यता दी। जी भी कुछ बोल रहा है, ये महापाप किए हैं कांग्रेस ने, एक जितने पाप किए हैं जो मोदी जी ने अच्छे काम किए हैं, एक भी बात मेरे विद्वान साथी ने नहीं बोली कि मोदी जी ने रोजगार देने का काम किया, मोदी जी ने महिलाओं को सशक्त करने का काम किया, मोदी जी आ गए पाकिस्तान पर, मोदी जी आ गए मुसलमान पर। अब दीप्ति जी सबसे ज्यादा घबराहट की बात है कि हिंदुस्तान का नौजवान चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो जो बेरोजगार बैठा है वो अपने रोजगार की बात सुनना चाहता है। अब देखिए, यही मेरे मित्र अमित जी बात अच्छी कह रहे हैं, कोई भी व्यक्ति हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, सबके लिए करना था। लेकिन सुनिए, धिक्कार है इस कांग्रेस को, जिनका प्रधानमंत्री पद पे बैठा हुआ व्यक्ति जो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, वो साफ साफ कहते थे मुसलमानों का अधिकार है इस देश के संसाधनों पर। ये धिक्कार की बात है। और देखिए, कांग्रेस के नेतागण भी निठल्ले हो गए, थलुए हो गए। आप देखिए, हमने इतना रोजगार दिया, अभी 2-3 दिन पहले स्कॉच की रिपोर्ट आई, स्कॉच ने कहा लगभग 52 करोड़ रोजगार दिए हैं, और मुद्रा योजना एक गेम चेंजर योजना हुई है, 41 करोड़ से ज़्यादा रोजगार दिए हैं, और आप उसमें हम 20 लाख रुपए भी देंगे। इस प्रकार से हमने 10 लाख सरकारी पद भरे हैं जो सरकारी नौकरियाँ हैं। मध्य प्रदेश में भी सरकारी नौकरियों हमने 1.5 लाख से ज़्यादा सरकारी नौकरी भर्ती की थी। और अभी मध्य प्रदेश और अगर बोलें तो मैं कहूँ संगठित असंगठित क्षेत्र में ईपीएफओ की रिपोर्ट भी कहती है सब 80 करोड़ से ज़्यादा रोजगार दिए। अब कांग्रेस को भगवान रूपी जनता ने ठलुआ कर दिया, निठल्ला कर दिया, निकम्मा कर दिया है, निकम्मा किया है इस भगवान रूपी जनता ने किया है निकम्मा। एक बड़ा गाना है, बहुत अच्छा, ये फिट बैठता है कांग्रेस पे। हमने रोजगार दिए तभी हमें बार बार जनता आशीर्वाद दे रही है। कितने रोजगार दिए, रिपोर्ट इतनी सारी बता दी, इतनी सारी रिपोर्ट बता दी है। तो मध्य प्रदेश में ये रिपोर्ट है कि आज 1.5 करोड़ लोग नौजवान बेरोजगार हैं। आज मैं कहना चाहता हूं, जितने आप मंडीदीप चले जाइए जो भोपाल शहर में है, 445 बड़ी फैक्ट्रियां लगती थी, मात्र आज 22 बड़ी फैक्ट्रियां चालू हैं। पीथमपुर चले जाइए, क्या रोजगार की स्थिति है, हमारा स्वास्थ्य में क्या है। मुख्यमंत्री, एक मिनट मैं अपनी पूरी बात कहूंगा, मुख्यमंत्री के गृह जिले में महाकाल के पंडित और तमाम पंडित जल जाते हैं, जो हिंदू हैं वो सारे हिंदू झुलस के खत्म हो जाते हैं 2-3 लोग। लेकिन वो उज्जैन में व्यवस्था नहीं थी, मुख्यमंत्री गृह जिले में रेफर करना पड़ा। हरदा में घटना पटाखा कांड हुआ, इंदौर रेफर कर, और ये अपनी पीठ थपथपाने का काम करते हैं। आखिरी बात दीप्ति जी, और इनकी घबराहट इसलिए नहीं है मेरे विद्वान साथी की, क्योंकि राहुल गांधी कह रहा है खटाखट खटाखट खटाखट, तो मेरे भारतीय जनता पार्टी के सारे साथी जो 400 पार होना चाहते थे, अब उनके मन में धका धक हो रही है, क्योंकि अब ये पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम, मीट मछली, इससे ही ये पार पा सकते हैं, उसके बाद भी 400 पार नहीं जाएंगे। 4 जून को ये पता चलेगा कि खटाखट खटाखट क्या था, बताइए। देखिए दीप्ति जी, अभी तो राहुल गांधी जी कहते हैं झटके से कर देंगे, झटका भी देते हो झटका, और वो कहते रहे, और उसके बाद उन्होंने कहा झटके से, बोले गरीबी दूर हो जाएगी, उनकी दादी और नानी परनाना भी करते रहे गरीबी की बात, तो ये झटका उनको नहीं दे पाए, और ये सारे सिर्फ और सिर्फ स्लोगन्स देते रहे। आज UNDP की रिपोर्ट आती है, 12 बिंदुओं पर रिपोर्ट आती है, एक नहीं मल्टी डायमेंशनल गरीबी जो हुई है दूर हुई है, वो 25 करोड़ से ज़्यादा लोग गरीबी से दूर हुए हैं। आप भगवान, हमने जो है 80 करोड़ जनता को हम भोजन दे रहे हैं। अब कांग्रेस सत्ता रूपी भूख से जो बार बार है अभी बिल बुला रही है, क्योंकि ये भगवान रूपी जनता हमें आशीर्वाद देती है, अब सत्ता रूपी भूख से ये बिल बुलाएंगे तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ये भूख से जरूर बिल बुला के देखिएगा, ये शांति हो जाएंगे। जो कांग्रेस को 50 साल पहले ख़त्म हो जाना था, 1948 में नेहरू जी गांधी जी ने कहा था, अगर नेहरू जी ने बात मान ली होती कांग्रेस खत्म हो जाती तो आज देश 50 साल और आगे होता, जो आज वर्तमान स्थिति में है तो ये 50 साल ज्यादा होता। वापस आरक्षण पे, बिल्कुल वापस आरक्षण पे बात करेंगे। अमित जी ये बताइए, रोहिंग्या को भी ओबीसी के कोटे में आरक्षण दिया जा रहा है बंगाल में।
देखिए बंगाल चूंकि ममता बनर्जी की बात हो रही है तो मैं समझता हूँ इस बात पर ममता जी ज़्यादा बेहतर जवाब देंगी, ना इंडियन एयरलाइंस में जो हमारे संगठन में ममता बनर्जी और कांग्रेस पार्टी अलग लड़ रही है। भाई वहाँ पर कांग्रेस से जो लड़ रहा है वो ममता बनर्जी के खिलाफ बोल रहे हैं और ममता बनर्जी कांग्रेस के खिलाफ बोल रही है। मैं उनका प्रवक्ता बन के पैरवी करूंगा तो मैं समझता हूँ राहुल गांधी की बात करिए, केजरीवाल की बात करिए, मैं बता सकता हूँ कि केजरीवाल को मोदी जी ने डर से कैसे बंद करा। आप ही की बात करती हूँ, चलिए मैं आप ही की बात करती हूँ। इंडिया गठबंधन कहें या कांग्रेस कहें, उनका आरोप होता है कि जैसे ही चुनाव पास आते हैं तो बीजेपी हिंदू मुसलमान करने लगती है, लेकिन यहाँ तो कुछ उल्टा ही दिखाई दे रहा है। हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है, कहाँ पर कौन कर रहा है हिंदू मुसलमान कहाँ? पश्चिम बंगाल के स्टेटमेंट को आप क्या कहेंगे? पश्चिम बंगाल के स्टेटमेंट को भाई कोर्ट ने निर्णय दिया, कांग्रेस ने तो हमेशा कोर्ट के निर्णय को माना है, भारतीय जनता पार्टी का चरित्र और इतिहास से कोर्ट के निर्णय को कभी नहीं माना। मतलब इन्होंने लोकतंत्र की भी हत्या करी। अभी मेरे साथी कह रहे थे कि अमित जी खटाखट की बात कर रहे हैं, जैसे ही खटाखट चला वैसे ही एक कपड़े बदलते एक वीडियो राहुल गांधी जी ने और पूरे मीडिया ने चलाया, एक लड़का खटाखट वोट दबा रहा है और उसके बाद प्रधानमंत्री जी बोल नहीं रहे, चुनाव आयोग में शिकायत हो रही है और शिकायत पर कार्रवाई नहीं हो रही। मैं ये कहना चाहता हूँ मुद्दों पर बात क्यों नहीं हो रही? पश्चिम बंगाल पर वही मुसलमान वही हिंदू पर बात हो रही है, पश्चिम बंगाल के डेवलपमेंट पे बात क्यों नहीं हो रही? उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट पे बात क्यों नहीं हो रही? मध्य प्रदेश के बेरोजगार नौजवानों की बात क्यों नहीं हो रही? महिलाओं के बढ़ते अत्याचार की बात क्यों नहीं हो रही? दीप्ति जी हमने तो करा और मेरा सीधा सवाल था कि रोहिंग्या को भी ओबीसी कोटे में आरक्षण मिल रहा है, दूसरा हिंदू मुस्लिम की बात हमेशा कांग्रेस करती है। इन बातों को देखिए, ये है कि मेरे मित्र ने कहा, लेकिन ये कांग्रेस और कांग्रेस के साथी जो है ना, जिस प्रकार से खड़गे जी कहते हैं कि अधीर रंजन चौधरी कुछ नहीं बोलेंगे बंगाल में, और अधीर रंजन चौधरी कहते हैं वहाँ, तो खड़गे जी को टीएमसी का दलाल बता दिया जाता है। कांग्रेस कार्यालय में जो पोस्टर लगे हुए हैं उन फोटो पे खड़गे जी पे कालिक पोट दी जाती है, ये सब कौन होता है। और आप देखिए खटाखट खटाखट इस देश में कुछ नहीं हो पाया है, ये बड़ी मेहनत त्याग तेज तप बल से अर्जित है स्वतंत्रता, और अश्रु तेज शौणित से रक्षित है स्वतंत्रता। इस भारत को हम रक्षित कर रहे हैं अपने पसीने से, मोदी जी ने पसीना डाला, पसीना 2014 में अंबानी के लिए मोदी जी ने, सुनिए सुनिए, पसीना डाल दिया उन्होंने जो गरीब था, गरीब होता गया, धैर्य धैर्य, सामान्य वर्ग की बात मेरे मेहमान साहब, कांग्रेस जो है ना वो नीचे आता गया, कांग्रेस ने खटाखट डाला, कुछ नहीं होता, और अंबानी के लिए जनता ने बटन दबाया 2014 में, इनको खटाखट खटाखट हटा दिया, 2019 में इनको खटाखट खटाखट हटा दिया, और 2024 में भी खटाखट खटाखट बाहर हो जाएंगे। ममता बनर्जी ने इनकी भविष्यवाणी कर दी थी कि कांग्रेस 40 सीट नहीं जीत पाएगी, ममता बनर्जी ने कहा था, कांग्रेस की औकात ये है, कांग्रेस को औकात दिखाई थी इनकी दीदी ने, ममता बनर्जी ने 40 नहीं नहीं औकात और बस आप दोनों का बहस बहुत हुई। अमित जी मेरा आपसे ये सवाल है, जब मैंने आपसे पहले पूछा तो आपने बोला कि अगर ममता बनर्जी हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रही है तो क्या गलत है, फिर दूसरी बार आपने बोला कि वो उन्होंने बोला वो उनसे जाने, तो आप इंडिया गठबंधन के साथ हैं नहीं हैं, आपके घटक दल हैं नहीं हैं? दूसरा मेरा सवाल यही है कि जो बीजेपी जितने आरोप लगा रही थी वो तो सही साबित हो रहे हैं, लेकिन अब ये बताइए क्या कांग्रेस सत्ता में आती है, कांग्रेस का दावा है कि वो इंडिया गठबंधन 300 सीटें ला रहा है, तो आप लोग भी मुसलमानों को आरक्षण देंगे, धर्म के आधार पर आरक्षण देंगे? सर्व जाति सर्व समुदाय सर्व धर्म और सबको एक लेकर चलने को इस हिंदुस्तान गुलिस्तान लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। इस संविधान को मेरी बात पूरी, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, आपने सवाल करा है, इस संविधान को बचाने की देश में लड़ाई है, और ये जो बांटने का काम देश में भारतीय जनता पार्टी ने करा है सिर्फ चंद 22 उद्योगपतियों को बढ़ाने का, इसके खिलाफ राहुल गांधी ने आवाज उठाई है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल का एक बयान बता दीजिए इस चुनाव में जो कांग्रेस के समर्थन में पश्चिम बंगाल में दिया है, और मैंने कोर्ट की रक्षा की बात पश्चिम बंगाल में भी की है, और जैसे मध्य प्रदेश में ओबीसी के आरक्षण को लेकर सिर्फ जुमला फेंका गया और सुप्रीम कोर्ट चली गई सरकार, यहां भी एक प्रश्न बनता है, तो मैंने उस बात का कंट्राडिक्शन उदाहरण दिया है, ना कि मैंने बचने और बचाने मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, कांग्रेस तो उसमें मुख्य पार्टी है, तो क्या धर्म के आधार पर आरक्षण देगी कांग्रेस?
इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, सब लोगों को अपना अधिकार देगी, नौजवानों को रोजगार देगी। सवाल है धर्म के आधार पर आरक्षण। काय को धर्म की बात करेंगे, काय को हिंदू मुसलमान की बात करेंगे, देश को आगे बढ़ाने की बात करेंगे। चाइना को जो लाल आंख दिखाते थे प्रधानमंत्री जी, दिखा नहीं पाए, चाइना को मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे, ये कांग्रेस की संस्कृति है। पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए थे इंदिरा गांधी ने, बोलने की बात नहीं करी थी, ये अभी पीओके कर रहे हैं। अरे चाइना को जवाब दीजिए, हम सुबह चाहेंगे जी तो पीओ को तो छोड़ दीजिए, लाहौर में तिरंगा फैर जाएगा। बताइए सर। देखिए मैं बताऊं, जो उद्योगपतियों की बात की, मैं तीन पॉइंट बता देता हूं। ये कश्मीर के ऊपर भी मुंह की खाई कांग्रेस ने, और देश की संप्रभुता के साथ में बड़ा इन्होंने समझौता कर लिया था, गिरवी रख दी थी उसको एक तरह से, दूसरे शब्दों में कहें तो। आप देखिए 34 लाख करोड़ का फोन बैंकिंग से बैंकिंग घोटाला करने वाली 10 साल की मनमोहन सिंह जी की सरकार में, 5 साल का डेटा बता रहा हूँ, 10 साल का बताऊंगा तो ये ज़्यादा निकलेगा, 2009 से 2014 के डेटा में 34 लाख करोड़ का बैंकों का पैसा गवा दिया। आज बैंक प्रॉफिट्स में है, और अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लगभग 1.5 लाख, मतलब 2 लाख रुपये से ज़्यादा, 2 लाख करोड़ रुपये की राशि सरकार को देगा 2024-25 के अगले साल, देने वाला है। तो इस प्रकार से आज बैंक्स बहुत फायदे प्रॉफिट में आए। और आप उद्योगपतियों की बात करें तो एक सबसे दो, एक आरआर टैक्स आपने सुना, आरआर फिल्म हमने जरूर सुनी थी, आरआर टैक्स अभी कांग्रेस ने तेलंगाना से एटीएम बन गया है, रेवंत रेड्डी के पास से ही सरकार से कांग्रेस को पैसा जा रहा है, और वहाँ पर ए अडानी जी की गोद में बैठ गए हैं, वहाँ पर करोड़ों का निवेश। अब तीसरा पॉइंट आप सुन लीजिए, भोपाल से बहुत जरूरी है उद्योगपतियों को सरकार गोदी में बैठने वाली कांग्रेस की सरकार, आज से नहीं पहले से, वॉरेन एंडरसन जो कि 15,000 मौतों का जिम्मेदार है, उसको भगाने वाली मध्य प्रदेश की कांग्रेस की सरकार से लेके केंद्र की सरकार रही, और इसमें किस तरीके से संसद ने किया और कितना घोटा, कितना बड़ा, मैं पूरा डिटेल है मैं बताऊं उद्योगपतियों की सरकार। मैं बिल्कुल, अब मेरा आखिरी सवाल है, नहीं अब मेरा आखिरी सवाल आप लोगों से, कारपेट बिछा करके अमेरिका तक भेजने वाले, ये महापाप करने वाले, भारत की जनता के साथ पाप करने वाली एक खूनी सरकार रही, कांग्रेस की खूनी सरकार थी। आखिरी सवाल है, बताइए अमित जी, क्या आरक्षण धर्म के आधार पर देगी कांग्रेस? दूसरा मेरा सवाल यह है कि कांग्रेस पर लगातार बीजेपी आरोप लगा रही कि इनका जो घोषणा पत्र है वही मुस्लिम लीग से मिलता जुलता है। देखिए भारतीय जनता पार्टी के अभी मेरे विद्वान साथी एड्रेसन को याद कर रहे थे जो अमेरिका से आया था, मैं तो सीधा नाम भी नहीं लूंगा। मैं कहना चाहता हूं कि जो हाल ही में अभी बॉर्डर में अभी हाल ही में जो बॉर्डर पे 700 किसानों की जान ले ली मोदी सरकार ने, उस पर ये चिंता नहीं करेंगे, वो अमेरिका में रहने वाले की चिंता कर रहे हैं कि उसको कैसे चला गया, और उद्योगपति की बात चल रही है, सारे उद्योगपति बड़े बड़े उद्योगपति हो गए, अडानी के पोर्ट पर ड्रग पकड़ी जाती है तो वो शाहरुख खान के एक गुड़िया पकड़ी जाती है तो उस पर बात करते हैं। हम केवल आरक्षण की बात कर रहे हैं बस, आप तो ये बताइए कांग्रेस की सरकार बनी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनी जैसा कि आप दावा कर रहे हैं, तो क्या धर्म के आधार पर आरक्षण होगा? धर्म लोकतंत्र के आधार पर आरक्षण होगा, संविधान के हिसाब से आरक्षण होगा। धर्म के आधार पर बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी है, जैसे प्रधानमंत्री जी को मटन मछली हिंदू मुस्लिम याद आ रहा है, देश का प्रधानमंत्री आज नौजवानों की बात नहीं कर रहा है, देश का प्रधानमंत्री आज रोजगार की बात नहीं कर रहा है, महिलाओं के सम्मान की बात नहीं कर रहा है। चलिए ठीक है, कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही थी कि 405 सीटें बीजेपी इसलिए मांग रही है, 400 पार बीजेपी इसलिए सीटें मांग रही है कि वो संविधान बदल देगी और आरक्षण हटा देगी, तो आपकी सरकार बनी तो क्या मुस्लिमों का आरक्षण हटेगा क्या? नहीं, हम धर्म के जो बाबा साहब अंबेडकर जी और जो गांधी जी और जो नेहरू जी जिसके खिलाफ थे कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा, हम धर्म के आधार पर आरक्षण के खिलाफ हैं, हम जो भी सब काम होगा वो करेंगे, लेकिन वह भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास हमने अपने मैनिफेस्टो में दिया है, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में साफ साफ मुस्लिम लीग की झलक दिखती है। और देखिएगा ये लोग जो है ना देश की संपदा को सब और एक अपने चहेते वोट बैंक को देना चाहते हैं सबसे छीन के, ये भी सही है क्योंकि पेज नंबर 28 पे पॉइंट नंबर 21 इनके मैनिफेस्टो में कहता है कि आर्थिक असमानता जो आय की है उसको करेंगे, और राहुल गांधी जी ने साफ कहा है कि वो एक्सरे और सीटी स्कैन लेके एमआरआई लेके निकलेंगे, सारे देश की जनताओं के एक्सरे करेंगे, और आप देखिएगा एक्सरे में मेटल निकलती है मंगलसूत्र, ये सारा का सारा धन स्त्री धन पशुधन और सारा धन संपदा आप देखिए प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता आज सिवाय हिंदू मुस्लिम की बात कर रहा है। मैंने सवाल पूछा रोजगार का, मैंने सवाल पूछा महंगाई पर, लेकिन डर के कारण सिवाय मुसलमान, अरे भैया इस देश में लोकतंत्र के हिसाब से काम होगा, संविधान के हिसाब से काम होगा।
प्याज नंबर पेज नंबर जी हाँ, आरक्षण को लेकर अरे 10 साल निकल गए पेज बताते बताते जी, नकली मैनिफेस्टो है इनका, नकली मैनिफेस्टो। अब ये भी समझते हैं कि अब ये आएगा जी के बयान पे इतना सियासी बवाल क्यों है। दरअसल पश्चिम बंगाल में बीजेपी मुख्य विपक्षी दल है और वहां पर बीजेपी ने जो अपनी पैठ बनाई है उसकी एक सबसे बड़ी वजह ये रही है कि बीजेपी लगातार जनता के बीच ये कहती रही है और इस तरह के नरेटिव को बनाती रही है बीजेपी, बल्कि जनता के बीच ये कहती रही है कि कांग्रेस जो है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी टीएमसी मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करती आ रही है। तो अब बीजेपी पश्चिम बंगाल में मुख्य विपक्षी दल है और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि पश्चिम बंगाल की जो 42 लोकसभा सीटें हैं उसमें से 17 सीटें ऐसी हैं जिसमें निर्णायक फैसला करने वाले जो वोटर हैं वो इसी समुदाय से आते हैं। यही वजह है कि ममता बनर्जी के बयान को लेकर इतना बवाल है। और तीसरी बात यह है कि जो लोकसभा के दो चरणों के चुनाव होना बाकी हैं, इन दो चरणों पे उन उन राज्यों में वोटिंग होगी जहां पर आम तौर पर राजनीति जातिगत समीकरणों पर ही चलती है और वहां का जो निर्णायक वोटर है वो भी ओबीसी है।